Hi friends, how are you? I hope that you all have been taking a very, very good care about your health as well as your studies. First of all, I would like to welcome to this Spoken English Workshop. सबसे पहले आपका स्वागत है Spoken English के Workshop में. आपसे एक छोटी सी request है, वीडियो को last तक जरूर देखें. अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपना सबसे पसंदीदा एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी. फ्रेंड्स, इससे पहले एक वीडियो में हमने सीखा था फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में. क्रिया की अवस्था जैसे जैसे बदलती है वैसे वाक्य का अर्थ बदल जाता है, बिकॉज वाक्य का सारा अर्थ डिपेंड करता है क्रिया पर. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का, वो है वर्ब. तो वो रोल प्ले करेगी, जैसे जैसे वो चेंज होगी वैसे वैसे अर्थ बदलेगा. आज हम एक नई चीज लेकर आए हैं, पोजिशन ऑफ वर्ब मेक अ डिफरेंस. अब वर्ब वही है, उसका रूप वही है, लेकिन जैसे ही वो जगह बदलेगी या स्थान बदलेगी तो भी वाक्य का अर्थ बदल जाएगा. इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूं आपके लिए. अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें. सिंगिंग, सिंगिंग का मतलब गा रहा. सबको पसंद है सिंगिंग. छुट्टियां चल रही हैं, आप सिंगिंग डांसिंग में अपना टाइम लगा रहे होंगे और इंजॉय भी कर रहे होंगे, तो मैंने वही वर्ब लिया. तो सिंगिंग का अर्थ है गा रहा. अब इस वीडियो में हम ये सीखेंगे क्या ये सिंगिंग जगह बदलने पर अपना अर्थ भी बदल सकता है. शायद हम ऐसे समझ पाए कि सीता अगर यहां है तो सीता है, वहां जाएगी तो क्या गीता हो जाएगी. राम अगर वहां राम है तो क्या यहां आकर वो श्याम हो जाएगा. आइए देखते हैं. सबसे पहला सेंटेंस लिख रखा है मैंने, आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूं. तो सिंगिंग का अर्थ तो गा रहा था, सही है ना. इस फॉर्म को कहते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, जो हम पहले से ही जानते हैं. नंबर टू लिखा है आई लव सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है. सिंगिंग वही है लेकिन इस फॉर्म को कहेंगे जीरंड, बिकॉज ये ऑलरेडी एक वर्ब के बाद यूज हुआ है और यहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज हुआ है, तो थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब का भी हम जरूर ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट मैंने लिखा है आई सॉ हर सिंगिंग, मैंने उसे गाते हुए देखा. अब देखेंगे वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट लगा, सिंगिंग अभी भी वही है और उसका अर्थ बदल गया. पहले था गा रहा, फिर हो गया गाना और अब हो गया गाते हुए. इसे भी कहते हैं जीरंड फॉर्म. लास्ट एग्जांपल जो लिखा है वो है सिंगिंग अ सॉन्ग. अब सिंगिंग को उठाकर हम सबसे पहले ले गए, अब इसका अर्थ हो गया एक गाना गाकर. और इस फॉर्म को क्या कहते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म, एक्चुअली प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. आई वेंट आउट, मैं बाहर गया. तो मैं गाना गा रहा हूं, मुझे गाना पसंद है, मैंने उसे गाते हुए देखा, या फिर एक गाना गाकर मैं बाहर गया. तो इन ऑल दीज फोर सेंटेंसेस देर इज सिंगिंग, बट पोजिशन चेंजेस एंड मीनिंग ऑल्सो चेंजेस. जैसे ही स्थान बदला वैसे ही उसका अर्थ भी बदल गया. So friends, be careful about using verbs during not only your conversation but also writing. तो फिर चाहे बोलते हुए या फिर लिखते हुए इन बातों का ध्यान रखेंगे. I think it will help. वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें संजीव गोस्वामी. नमस्कार.